नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। फाउंडेशन बैच की क्लास में हिस्ट्री का ये आज आपका पांचवा लेक्चर है। मैंने आपको पाषाण काल जो था पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, पाषाण में जो ताम्र पाषाण था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर आपको दिया था जिसमें तांबे का युग और पाषाण का युग मतलब पत्थरों के युग के बारे में जिक्र किया था। और मैंने बताया था कि वो ऐसा युग था कि पहली दफ़ा मानव ने किसी धातु का युग किया था, तो वो अगर आपसे क्वेश्चन कहीं ऑब्जेक्टिव पूछता है कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया तो वो तांबा ही था। देखा जाए अगर क्वेश्चन आपका उठाता है कहाँ से, प्री की बात करते हैं और यहीं पे थोड़ा मेंस की बात जिक्र कर लेते हैं, तो अभी जो रिसेंट में देखा गया है तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। जो मैंने आपको पाषाण काल पढ़ा दिया पूरा, उसमें ताम्र पाषाण काल पढ़ाया, जितने भी आपको टाइम ड्यूरेशन पढ़ाया, उसे अभी के 3-4 सालों में देखा गया है कि प्री से क्वेश्चन नहीं बना है। मेंस में भी देखा जाए तो आपका जो 19 का हुआ और 18 का हुआ तो उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं, आपके हड़प्पा से मेंस से क्वेश्चन बना है। क्योंकि उसमें अगर देखा जाए कि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है हिस्ट्री, समझिए आप अगर ऑप्शनल नहीं लिए हो तो सिर्फ जीएस पेपर वन में आपका हिस्ट्री पूछा जाएगा, और जीएस पेपर वन में हिस्ट्री आपकी रहेगी उसमें यूपी भी रहता है, ठीक है। तो इस वजह उसके वजह से क्या होता है, उसमें ज्योग्राफी भी रहता है, तो उसमें क्या हो जाता है आपका कि पूरा का पूरा ये नहीं होता कि एनसीएंट का ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे। बहुत हुआ तो एक क्वेश्चन या तो 125 में पूछ देगा या तो 200 वर्ड में पूछ देगा। तो पिछले बार 2019 वाले में तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था कि 600 से 300 बीसी के अप्रॉक्स में आपको बताना है, जब ये आपका लौह काल चल रहा था तो उस समय आपको पूछा था कि आपका जो सामाजिक और आर्थिक जो विकास है उसमें लौह का योगदान कितना रहा, चाहे खनिज का योगदान क्या रहा, उसकी विशेषता के बारे में उसका योगदान जो भी रहा उसको टिप्पणी करना था, उसको अपने शब्दों में 125 वर्ड में आपको लिखना था। एक क्वेश्चन एक आपका वैदिक सिविलाइजेशन से उठाया था, तो आपसे अगर क्वेश्चन उठाना है क्योंकि उसे एक ही दो क्वेश्चन उठाना है पूरे से, एक मान लीजिए संस्कृति से उठाएगा, आर्ट एंड कल्चर से, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट वो आर्ट एंड कल्चर पे ही फोकस होते हैं लोग, तो वो यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं कि आपका उठाए। एग्जामिनर का बहुत मूड कभी खराब हो गया तो हो सकता है कि कभी दे दे, अदरवाइज समझ लो कि ये अब सिलेबस से आपके ख़त्म ही है। लेकिन मैंने आपको जितना पढ़ा दिया अगर आ भी जाता है आप उतना लिख दोगे अपने शब्दों में तो 125 वर्ड से कभी रुकोगे नहीं, 125 से ऊपर ही लिखोगे, ठीक है। तो मेन होता है आपकी जो शुरुआत होगी वो आज के सेशन से होगी, क्योंकि आज जो हम पढ़ेंगे वो आपका प्री के पे फोकस्ड है, प्री से भी वहाँ क्वेश्चन उठाया जाता है और मेंस से भी आपका क्वेश्चन उठाया ही जाता है। हर एक दो साल में आपका रिपीट क्वेश्चन, मतलब बोला जाए कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही जाता है, इसे हम 100% ये नहीं बोल सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसके पहले वाले में ये बोल सकते हैं कि अब जब नहीं बन रहा है तो चांसेस यही है कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो अभी हमने जो आपसे बताया तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैंने आपको जिक्र किया। प्रागैतिहासिक काल मैं बता दूं, शुरुआत जब मैंने आपसे किया था, मैं आपको थोड़ा रिकैप करा देता हूं, इतिहास है तो बिना कड़ियों को जोड़े जो है मज़ा नहीं आएगा, तो जब तक हम कड़ियों को जोड़ेंगे नहीं तब तक वो मज़ा नहीं आ पाएगा। तो मज़ा लेने के लिए थोड़ा मैं आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो प्रागैतिहासिक काल में हमने ये बताया था आपको कि ये ऐसा काल होता है जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे पास उसके बारे में, उसके अतीत के बारे में जानने के लिए हम किस साक्ष्यों का जो है एक तरह से बोला जाए कि अध्ययन करते हैं, तो वो एक चीज़ होता है कि आप उस समय से पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं जिसमें आपको लिटरेचर का कोई मतलब लिपि का कोई योगदान नहीं होता है, कोई लिटरेचर का योगदान नहीं होता है, वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, जिसमें हम फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं, जीवाश्म जो होते हैं, पत्थरों के बने जो आपके औजार हैं उनको देखते हैं, आपके जो मृदभांड हैं, बर्तने हैं जी, ठीक है, और जो भी औजार मिले, जैसे मैंने आपको पूरा ताम्र पाषाण काल पढ़ाया, पाषाण काल के तीनों पार्ट पढ़ाया, पूर्व मध्य और नव पाषाण का, तो जिसमें जैसे जैसे जो साक्ष्य मिलते गए उनमें कोई ऐसा नहीं था लिखित साक्ष्य था, कोई अभिलेख था, ठीक है, या कोई लिटरेचर था, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जो आपके गुफाओं में पेंटिंग मिले, गुफाओं में जो आपके क्या मिले, चूल्हे के साक्ष्य मिले, जैसे जैसे जो चीज़ मिलता गया और जो मनुष्यों के जीवाश्म में मिलते गए, जानवरों के जीवाश्म में मिलते गए, उसके अध्ययन से हम ये प्रागैतिहासिक काल के बारे में हम जो है जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। अब जो होगा हमारा अर्ध ऐतिहासिक काल शुरू होगा, ठीक है, अर्ध ऐतिहासिक काल,
अब इस काल में क्यों है, क्यों इसे आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं, ये जान लो बच्चों कि आर्ध ऐतिहासिक काल में इसमें क्या होता है, आपका पुरातात्विक स्रोत तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, पुरातात्विक स्रोत तो आपका रहेगा, जो हम सोच रहे हैं फॉसिल से आपका कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग से कर रहे हैं, स्टोन का आपका किससे यूरेनियम मेथड से टेस्टिंग करते हैं और उसके बताते हैं कितना साल पुराना है हथियार है, ठीक है, तो वो सब तो मेथड रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे हम कि आपका क्या हो जाएगा, लिपि का विकास हो जाएगा, ठीक है। अब वो जाहिर दूसरी बात है कि ये लिपि जब आई तो उसे अभी तक डिकोड नहीं किया जा है, मतलब कोई भी उसे पढ़ नहीं पाया, अगर पढ़ ले तो ये कहा जाता है कि हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और हम अपने आने वाले समय को उस हिसाब से ढाल सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचा सकते हैं, ठीक है, कि हमारी जो संस्कृति उस समय, सोचो कि अगर हड़प्पा की बात करें, वो इतना एडवांस शहर था, जो वो खुदाई में जैसे जैसे इतिहासकार उसके बारे में बात करते हैं, सोचो अभी कुछ उसके बारे में लिखित प्रमाण से हम नहीं पढ़ पाए हैं कि क्या था वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें होती थी, हम सिर्फ पुरातात्विक स्रोत जो आपके मृदभांड मिले, एकदम नया नया तरीके से हथियार मिले, वहाँ के जो आपके नगर जैसा बसा था, जो घर मिले हैं इतना एकदम स्पेशल टाइप के घर मिले हैं, तो जो आज की सभ्यता में हमें देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें अगर हमें लिपि पता चल जाए, अगर हम पढ़ लें उस लिपि को, तो हम सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे लोग कितने एडवांस थे, जो आज हम लोग कहते हैं कि हमारा क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, अगर वो चीज़ें पता हो जाए तो हम कब के डेवलप हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन वही बात है कि ये जो आपकी सभ्यता थी वो कैसे नष्ट हो गई, उसके भी अभी हम 100% प्रमाण नहीं बोल सकते, कोई इतिहासकार नहीं बोल सकता कि आखिर क्या रीज़न था कि वो सभ्यता समाप्त हो गई, और समाप्त हुई तो फिर से हम लोग एकदम नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि जो संस्कृति होती है, जब कोई संस्कृति डेवलप करती है तो संस्कृति की विशेषताएं खत्म होती हैं, ठीक है, वो संस्कृति की विशेषताएं धीरे धीरे एक समय बाद खत्म हो जाती हैं। जैसे हम लोग आज 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो हमारी जो संस्कृति है उस पर कोई ना कोई ऐसा इम्पैक्ट डाल देता है कि धीरे धीरे हमारी संस्कृति की विशेषताएं एक समय बाद ये खत्म हो जाएगी, तो कहा जाएगा कि ये सभ्यता विलुप्त तो हो गई, ठीक है, ऐसा होता है कोई चीज़ें, बाकी वो तो ध्वस्त होना, वो होना वो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन लोगों के अंदर वो चेंज आ जाना कि तुरंत हम देखते हैं हड़प्पा के बाद जो वैदिक काल आता है वो एक ग्रामीण सभ्यता हो गई, मतलब इतना शहरी से ग्रामीण में चेंज हो जाना, इतना डिफरेंस कैसे हो गया, तो वो कहीं ना कोई ऐसी चीज़ इम्पैक्ट डाली कि उनके अंदर की जो विशेषता थी वो धीरे धीरे डिग्रेड कर गई, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे उसके सभी के बारे में, पहले तो मैं आज डिस्कस करूंगा, आज जो सेशन होगा मैं लंबा बहुत नहीं ले जाऊंगा, काफ़ी हिस्ट्री के ऐसे सेशन हो गए हैं जो दो दो ढाई ढाई घंटे के हो गए हैं, शायद दो दो दिन में आप लोग नहीं पूरा कर पाते होंगे, तो आज मैं मिनिमम से 1 से 1.5 घंटा अगर कोशिश करूंगा कि निपटा दूँ आप लोगों का, पूरा नहीं ख़त्म करूंगा, आज हम सिर्फ फैक्ट पे बात करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आज फैक्ट पे बात होगा, इसका जो अगला सेशन होगा वो कॉन्सेप्ट पे बात होगा, कॉन्सेप्ट पे मतलब कि आपका वहाँ की हड़प्पा के बारे में आज हम पढ़ाएंगे आपको, सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होगा आज का सेशन, तो उसमें आपको मैं नगरीकरण वहाँ का कैसा था, वहाँ की जो है आर्थिक व्यवस्था क्या थी, वहाँ धर्म का क्या प्रचलन था, किसकी पूजा करते थे लोग, वहाँ का समाज का संचालन कैसे होता था, क्या राजनीतिक कोई व्यवस्था थी कि नहीं, इन सब पर हम जिक्र करेंगे जो ये हमारे कॉन्सेप्चुअल पार्ट का रहेगा। लेकिन फैक्ट पे जहाँ से क्वेश्चन आपके पीसीएस प्री में आते हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें ये फैक्ट बहुत क्लियर करना होगा, थोड़ा रटना भी आपको होगा और थोड़ा समझ के आप इस चीज़ों को अपने दिमाग में रख सकते हो मैपिंग के थ्रू, ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे जानना। पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से क्वेश्चन पूछा है पीसीएस प्री में कि हाँ जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं वो किस काल के अंतर्गत, इतिहास के किस काल के अंतर्गत आता है, तो उसे ध्यान रखना क्योंकि लिपि का विकास हुआ था और जहाँ लिपि आ जाता है, ऐतिहासिक काल वो होता है जहाँ हम शिलालेख, लिटरेचर, ठीक है, और आपके विदेशी यात्री, मैंने पढ़ाया भी था पहला जब लेक्चर आपको लिया था, तो ऐतिहासिक काल जब हम लोग पहुँच जाएंगे गुप्त काल में, ठीक है, आपके मौर्य काल में, जहाँ लिटरेचर हमें मिलने लगेंगे, जहाँ विदेशी आने लगेंगे, वो अपने प्रोस्पेक्ट अपने व्यू रखेंगे, और जो आपके अभिलेख शिलालेख मिलेंगे अशोक के काल में, वो सब चीज़ें ऐतिहासिक काल में आते हैं, ठीक है, मगर अर्ध ऐतिहासिक काल में लिपि का विकास तो हुआ लेकिन हम लिपि से समझ नहीं पाए, और पुरातात्विक स्रोत के आधार पर हम इस काल को पढ़ेंगे और इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, ये दोनों सभ्यताएं हम इसी के तहत पढ़ेंगे।
तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि अगर सिंधु घाटी आपसे क्वेश्चन पहला आप उठाओगे घटना चक्र का एमसीक्यू, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको वैदिक सिविलाइजेशन से यही पूछा है, आप उठाइएगा जब आपको। और ये ध्यान रखना, पढ़ते तो जा रहे हो मगर मेरी बात पे ये गौर करो कि जो पढ़ रहे हो उसको विद एनसीईआरटी खत्म करो चैप्टर को, ठीक है। ये आपके कक्षा 12 की एनसीईआरटी उठाना, कक्षा 12 की पहले बुक है उस पे उसको पढ़ लेना, पहला चैप्टर है उसे खत्म करना है, और कक्षा 6 की चैप्टर नंबर 3 उसको पढ़ के खत्म करना है। उसमें उतना डिटेल आपको नहीं है, इसीलिए एनसीईआरटी में आपको हिस्ट्री पढ़ने के लिए बोला जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो उसे पढ़ लो, कुछ ना कुछ गेन होगा, लिखने का तरीका पता चलेगा। लेकिन जो फैक्ट बेसिस पे मैं बात करूं तो उसमें उतने फैक्ट नहीं आपको मिल पाएंगे जो मैं आज क्लास में बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको नोट्स दूंगा, मैं आज क्लास में कुछ बता दूंगा, कुछ ऐसे फैक्ट होंगे हो सकता है नोट्स में मिल जाए, कुछ यहाँ बचे हों मेरे से। मैंने मैक्सिमम फैक्ट इंक्लूड कर लिया है कि क्लास में, कि कहाँ इसे एग्जामिनर कोई भी पूछ ले कि ये इनकी हड्डी मिली तो कहाँ से मिली, वो भी आप बता दो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला मैंने क्वेश्चन बता दिया कि आप जब घटना चक्र एमसीक्यू, ये ना भूलना, जब चैप्टर पढ़ लेना, लेक्चर देख लेना, एक पूरा फिनिश हो गया, जैसे मैंने आज जिस पे खत्म किया उतने के क्वेश्चन आंसर आप घटना चक्र एमसीक्यू से करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी प्री की प्रिपरेशन इसके साथ साथ चलती रहे, और लास्ट मोमेंट में आप 3 से 4 महीना सिर्फ रिवीजन करो, और आने वाले सब जैसे ही 21 का प्री आए तोड़ फोड़ के निकल जाओ एकदम बाहर। तो ये सब है, आर्य ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अभी मेरा पिछला जो लेक्चर था आप लोगों का ताम्रपाषाण काल के बारे में था, मैंने आपको विधिवत बता दिया कि ताम्रपाषाण में कैसे हम लोग तांबे का यूज सीखते हैं धीरे धीरे, और वहीं पे हमें कहीं ना कहीं जब ताम्रपाषाण हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो ताम्रपाषाण में आपका जो इनाम गांव और दायमाबाद जो शहर है आपका महाराष्ट्र में, ये जो दोनों हैं इनमें हमें कहीं ना कहीं दोहरी एक तरह से बोला जाए संस्कृति की क्या मिली है, साक्ष्य मिले हैं हमें, देखने को मिले हैं कि जो यहाँ का घर था यहाँ का एडवांस होने लगे थे, यहाँ के लोग कुछ ना कुछ इनके अंदर एडवांसमेंट आ गया था। वो क्यों आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के समकालीन एक सभ्यता पनप रही थी, वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। और उस सिंधु घाटी सभ्यता के जब कोई टच में आएगा तो उसका बदलाव उस ग्रामीण क्षेत्र में भी पड़ेगा, और वो ग्रामीण क्षेत्र भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्या हो जाएगा, उसके इम्पैक्ट के असर हमें दिखने लगेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की, और उसके बारे में हम एक एक पॉइंट को जिक्र करेंगे, ठीक है, कि नगरी सभ्यता, क्योंकि ये पहली हमारी नगरी सभ्यता है, ठीक है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता ही हमारी सबसे पहली नगरी सभ्यता है। तो सबसे पहला आपके जहन में सवाल उठेगा, सर ये नगरी सभ्यता क्या है, कैसे है, हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किसके अंतर्गत हम बता सकते हैं कि कौन सी सभ्यता आपकी नगरी होगी और कौन सी सभ्यता ग्रामीण होगी। तो कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है, वह मैं आपके पॉइंट ऑफ रख रहा हूँ। जैसे नगरी सभ्यता की बात करें तो प्राचीन नगर, प्राचीन के समय में आपके बात किया जाए, जैसे जो सिंधु घाटी को नगर क्यों कहा जाता है, तो इतिहासकार बोलते हैं कि जहां लिपि का विकास हो जाए, ध्यान देना, जहां लिपि का विकास हो जाए और नगरों में एडवांसमेंट हो जाए, नगरों में विकास हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, हम नगरी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। तो यहां लिपि का विकास देखने को मिला, हम पढ़ तो नहीं पाए लेकिन आपका क्या हुआ, लिपि का विकास देखने को मिला है, इसलिए लोग इसे इतिहासकार ये आपको नगरी सभ्यता मानते हैं। मगर इस डेफिनेशन को कई इतिहासकार सही नहीं मानते हैं, जैसे गोल्डन चाइल्ड महोदय, ठीक है, काफ़ी उनका योगदान रहा है, उन्होंने ताम्रपाषाण युग को ही बोला था कि ये आधुनिक काल का जो है क्या है, एक तरह से ये आधुनिक क्रांति है, ये जो ये काल चल रहा है ये आधुनिक क्रांति है, ठीक है, इनके आपके गोल्डन चाइल्ड ने महोदय ने बोला था, काफ़ी बड़े इतिहासकार हैं। तो उन्होंने बाद में चल के नगरी के आपके 10 या 11 विशेषताएँ दी हैं कि कोई भी सभ्यता नगरी होने के लिए ये चीज़ होनी चाहिए उसमें। वो आपके मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत पहले यूपीएससी में पूछा था, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा जब आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा इसके, ठीक है, सिंधु घाटी जब कॉन्सेप्चुअल पढ़ाऊंगा तब मैं गोल्डन चाइल्ड महोदय का जो आपके 10-12 विशेषताएं हैं वो मैं बताऊंगा। तो वो कई लोगों ने इनकार किया, कई लोगों ने इसके पक्ष में रखा। तो ठीक है, अगर हम इस डेफिनेशन को मान लें कि जहां लिपि हो और नगर का विकास हो उसी को हम नगरी सभ्यता कर सकते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसका विरोध इसलिए कहें कि उसी समय में आपके
उसके समय से, समकालीन नहीं, समकालीन तो उसके मेसोपोटामिया सुमेरियन सभ्यता जो थी आपकी, ठीक है, वो पनप रही थी। जो विश्व स्तर पे बात करें तो मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यता हमारी जो थी वो क्या थी, समकालीन सभ्यता थी। लेकिन हम थोड़ा उसके पहले की सभ्यता की बात करें तो और भी सभ्यताएं थी, जैसे यूएसए में माया सभ्यता, ध्यान रखिएगा, जो अमेरिका है वहां पे एक माया सभ्यता पनप रही थी, और आपका जॉर्डन जो है आपका इराक के बगल में, यहाँ आपका जेरिका सभ्यता थी, और पेरू में इनका सभ्यता थी, और ग्रीस में मैसिनियस सभ्यता थी। ये ऐसे सभ्यताएं थी जो कहीं ना कहीं आपके इंडस वैली से पहले के सभ्यताएं थी। अब हुआ ये, तो इतिहासकार इसको लेके भिड़ गए कि अगर इस बात को हम देखें तो यूएसए के माया सभ्यता में नगर नहीं मिलते हैं, नगर का कोई विकास नहीं है, नगर का कोई विकास नहीं है, इसका मतलब ये जो है सभ्यता नगरी नहीं है। क्यों? और ये सभ्यता उस समय की नगरी सभ्यता कहलाती थी, लोगों के द्वारा, विश्व के और इतिहासकारों के द्वारा इस सभ्यताओं को भी नगरी सभ्यता कहलाती थी। तो आपके हिंदुस्तान के इतिहासकार बोलते हैं कि अगर ये हम सोचें कि जिसमें आपकी लिपि और नगर का विकास हो वही नगरी सभ्यता है, तो आपके कहने के हिसाब से जो इतिहासकार कहे हैं तो यूएसए की जो माया सभ्यता है वहाँ नगर के प्रमाण नहीं मिले हैं, कि नगर के विकास के प्रमाण नहीं मिले हैं, इसका मतलब कि आपका क्या हुआ कि ये आपका नगरी सभ्यता नहीं है। तो भैया अब उस पर भी अब सवाल उठने लगे। उसके बाद से अगर हम बात करें कि पेरू की इनका सभ्यता की, तो यहां लिपि का लोप है, मतलब लिपि ही नहीं है, यहां लिपि का विकास नहीं है, यहां लिपि का विकास नहीं है, तब क्या होगा भाई साहब? अगर हम ये डेफिनेशन मान लें इतिहासकारों ने जो कहा कि नहीं, जहां लिपि और नगर का विकास हो जाए वही नगरी सभ्यता है, तो ये जो दो सभ्यताएं जिनको हम विश्व के कई इतिहासकार नगरी सभ्यता मानते हैं, जहां यहां नगर नहीं है, यहां लिपि नहीं है, ऐसे ही इन सभ्यताओं में कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का लोप है, किसी ना कोई चीज एब्सेंट है, तो इसका मतलब ये नगरी सभ्यता नहीं है, ये नगरी सभ्यता है। तो इसीलिए इस डेफिनेशन को कई इतिहासकार जो है नहीं मानते हैं। और इसी के बाद में जब गोल्डन चाइल्ड महोदय ने जब 10 से 11 विशेषताएं आपकी नगरी सभ्यता के दी हैं, तब जाके इसे कुछ लोगों ने सही माना। ठीक है, अब की ये वाली उतने आपके डेफिनेट डेफिनेशन नहीं है। चलिए आज के सापेक्ष में अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम में नगरी सभ्यता किसे कहते हैं? प्रेजेंट टाइम में आज हम नगरी सभ्यता का अगर डेफिनेशन आपसे पूछें तो ये जान लेना, वर्तमान में अगर कोई नगर बोले आपसे कि नगरी सभ्यता हम किसे बोल सकते हैं, तो वर्तमान समय में नगरी सभ्यता आपकी वो सभ्यता होगी जिसका 70 से 75% जो है बोला जाए कि पूरा का पूरा इकोनॉमिक जो है उसका व्यवसाय पर डिपेंड करे, उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है उसका, उसका 70 से 75% व्यवसाय पर डिपेंडेंट हो और उसके नगर का निर्माण हो, तो वो आपकी सभ्यता आजकल क्या कहलाती है? नगरी सभ्यता कहलाती है। और जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी 400 के अप्रोक्स में माना जाता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ सिचुएशन है जो आज के वर्तमान में जिसे हम नगरी सभ्यता कहते हैं। और आगे पॉइंट पे बात करते हैं, थोड़ा ये जान लीजिएगा कि वो जो मैंने सभ्यता बताया यूएसए की, जो माया सभ्यता, ये सब उसके पहले की सभ्यताएं हैं। अब थोड़ा बात करते हैं इसके नामकरण की, ठीक है, नामकरण की बात करें, सभी लोग जानते हो उसके कई नाम हैं, हड़प्पा नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता नाम है, इसमें अलग अलग लोग आए, अलग अलग अपना जो है नामकरण किए। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले इसका नाम हड़प्पा सभ्यता ही पड़ा था। क्यों पड़ा था? कि चार्ल्स मैसेल एक थे, कहीं कहीं मौसेल मिलता है, मैसेल मिलता है, चार्ल्स मैसेल थे, ठीक है, वो पहली बार क्या हुआ था कि हड़प्पा का टीला, उन्होंने एक हड़प्पे के टीला की खोज की थी, जिसके कारण बाद में उसे दयाराम साहनी ने, उसी के चलते आगे जब और ये होने लगा, जब रेलवे लाइन आपकी बिछने लगी लाहौर की कराची के बीच वाली, तो वहां से जब मजदूरों ने ईटा उठाया तो उस ईट को देखकर काफी लोगों ने अचंभा हो गए कि अरे भाई ये बहुत बेहतरीन ईट है और कहाँ से आप लोग ला रहे हो। तो उसे जब लोग देखने गए, उस समय ब्रंटन बंधु थे, उन्होंने कहा कि ये ईंट बहुत खास तरीके की है, लेकिन इंग्लैंड सरकार उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो गई। लेकिन जब 1921 की बात आई तो वहाँ पे चार्ल्स मैसल, आपके वो मार्शल साहब जो आपके पुरातात्विक विभाग के
निर्देशक थे उनके उसमें बोला जाए कि गाइडेंस में रहकर दयाराम साहनी ने जब हड़प्पा का उत्खनन काम कराया तो उन्हें काफ़ी एक पूरा का पूरा बसा हुआ शहर ही मिल गया। तो इसी वजह से, क्योंकि हड़प्पा का सबसे पहला उत्खनन काम शुरू हुआ, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, जॉन मार्शल के अंतर्गत जब निर्देशक थे वो पुरातात्विक विभाग के, क्योंकि कनिंगम हट चुके थे। ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन काम किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता मिल जाता है, बनता है। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ कि कई लोग जैसे आपके, ठीक है, जॉन मार्शल साहब जो थे पुरातात्विक विभाग के, वो कहने लगे कि उनको, क्योंकि और कई साक्ष्य मिलने लगे इसी सभ्यता से मिलता जुलता, कई जगह से साक्ष्य हमें प्राप्त होने लगे। जब उत्खनन कार्य कई जगह शुरू हो गए तो हमें देखने को मिला कि जो सिंधु के आसपास, जो सिंधु नदी आपकी बहती है उसके आसपास के जो भी क्षेत्र थे, वो सिंधु का प्रांत कौन सा है आपका, ये कहा जितना भी आपका पाकिस्तान वाला और पहले जो पंजाब वाला प्रांत है हमारा, वहाँ सिंधु नदी गुजरती थी कश्मीर से आपका यहाँ तक, तो वहाँ के आसपास पे जो भी उत्खनन काम हुए क्षेत्र के, वहाँ पे जो साक्ष्य मिले ना, वो हमें कहीं ना कहीं जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी वहाँ से जो भी चीज़ें मिली थी उससे क्या हो रही थी, मैच खा रही थी। जब मैच खा रही थी तो मार्शल साहब बोले कि अरे भैया ये तो काफ़ी लग रहा है, काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे। कौन कहता है, जॉन मार्शल साहब कहते हैं कि नहीं, ये सिंधु के आसपास जितने भी आपके उत्खनन काम हो रहे हैं वहाँ पे भी हड़प्पा के जैसे ही कुछ ना कुछ मोहरे मिल रही हैं, कुछ मृदभांड मिल रहे हैं, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये सिंधु के आसपास फैली। क्योंकि कोई भी सभ्यता, मैंने आपसे पहले बोला कि एक उसके लिए मेन ज़रूरत है नदी की, जहाँ नदी, क्योंकि पानी होगा तभी उपज होगा और वहीं कृषि होगा, वहीं उसकी अर्थव्यवस्था शुरू होगी। तो ये तो सबसे ज़्यादा पहली बात है कि आपको वहाँ पानी होना जरूरी है। तो सिंधु के आसपास की सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलने लगे। तो इन्होंने इसका जिक्र, सिंधु घाटी सभ्यता का जो जिक्र किया, उन्होंने अपने किताब एक मोहनजोदड़ो द इंडस में किया है। कौन सा है किताब, किताब का नाम याद कर लो, मोहनजोदड़ो द इंडस नाम है उनके किताब का, मार्शल साहब के। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता इसको बोला है। बाद में चलकर, ठीक है, बाद में चल के आपके विलर साहब आते हैं, मार्टिन विलर साहब, उन्होंने एक सिविलाइजेशन ऑफ, ठीक है, इंडस वैली, एक किताब लिखी, सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली बियॉन्ड, ठीक है, सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली बियॉन्ड किताब लिखी। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा, सही बात बोल रहे हैं आप मार्शल साहब, कि ये जो सभ्यता है, क्योंकि इसको और उन्होंने क्या कर दिया, बल दे दिया इस पर, कि जो मार्शल साहब बोले हैं वो सही बोल रहे हैं कि ये आसपास सिंधु के आसपास काफ़ी इनका फैलाव है। लेकिन कुछ देर बाद, कुछ समय बाद, और जैसे ही समय आपका बीतता है तो भाई साहब आते हैं एचआर मुगल, ये पाकिस्तान के इतिहासकार होते हैं, पाकिस्तान के इतिहासकार बोल सकते हो या पुरातात्विक के बोल सकते हो विभाग के थे। तो एचआर मुगल जी बोलते हैं कि नहीं, ये क्योंकि और भी जब काम जब शुरू हुआ इसका, हड़प्पा सिविलाइजेशन के उत्खनन का, तो समझ लीजिए ये पूरा का पूरा आपका पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, मेरठ, आपके महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब जगह इसके साक्ष्य मिलने लगे। तब मुगल साहब बोलते हैं कि नहीं, सिंधु घाटी सिर्फ कहना इसका अलग हो जाएगा, सिर्फ सिंधु घाटी हम नाम दें तो इससे सिर्फ सिंधु के आसपास के क्षेत्र का पता चलेगा, तो हम इसे क्या नाम देंगे, बृहत्तर सिंधु सभ्यता नाम देंगे। बृहत्तर मतलब क्या होता है, विस्तार, ठीक है, बड़ा, उससे भी, सिंधु से और भी कई एरियो में फैला हुआ बृहत्तर सिंधु सभ्यता एचआर मुगल जी ने इनका नाम दिया। बाद में फिर कई इतिहासकार इसे बोले क्योंकि जो ये जो सिंधु थी उसी के आसपास, उसी के सरस्वती नदी बहती थी, जो आज कहा जाता है कि सूख गई है, तो वो सरस्वती नदी के आसपास भी सभ्यताएं मिली हैं, साक्ष्य मिले हैं, जिसके कारण इसे सिंधु एवं सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कासयुगीन, जैसे मैंने आपसे बताया था कि इससे पहले हमने सबसे पहले धातु का यूज पढ़ा, सबसे धातु का के बारे में पढ़ा, तामा के बारे में पढ़ा, इसीलिए हम ताम्रपाषाण बोलते हैं उसको। तो उसके बाद से जैसे जैसे आगे हम बढ़े तो तांबे में आपका
और चेंज हुआ उसे मिक्स बना के हम कांस्य युग सभ्यता को पढ़ते हैं और ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये आपके नामकरण हो गए। अब नामकरण के बाद आता है बात इसको बसाने की कि इसके क्रिएटर कौन थे, कौन कौन से क्रिएटर थे। उसमें भी इतिहासकार जान लो कि क्या होंगे, मार पिटाई करेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में आप लोग लगातार बोलते बोलते थकान हो जाती है। तो हम लोग थे कि अब इसके क्रिएटर के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसे क्रिएट कौन किया। इसमें भी कई इतिहासकारों के मतभेद हैं। जैसे बात करते हैं डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप जी हैं, इतिहासकार हैं, ये कहते हैं कि जो इसके क्रिएटर हों वो कौन है, आर्यन है। जो आर्य हैं वही इसके क्रिएटर हैं। जो हम वैदिक सिविलाइजेशन में पढ़ते हैं, वैदिक काल में पढ़ते हैं, जो आर्य आए थे उन्हीं को ये क्रिएटर मानते हैं कि वही लोग रहे हैं सभ्यता। और वो धीरे धीरे वो सभ्यता जो इतनी बड़ी नगरी सभ्यता थी उसमें कुछ प्राकृतिक आपदाएं आई जिसके वर्ण से कारण क्या हुआ, वो पूरा का पूरा शहर विनाश हो गया। फिर से इनके जो वंशज थे आगे बढ़ते गए तो फिर से एक ग्रामीण सभ्यता से स्टार्टिंग हुई। चलिए वो बात तो अलग ही है, सब इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद है, क्या कर सकते हो इसमें कोई। उसके बाद से आपके गार्डन चाइल्ड महोदय आते हैं, ये कहे कम रहेंगे। ये कहते हैं कि ये सुमेरियन जो सभ्यता थी उन्हीं के लोगों द्वारा इसे भी क्या किया गया है, पैदा किया गया है। मतलब वही इसके क्रिएटर हैं। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वही सभ्यता के जो लोग थे वही लोग अपना एक्सपेंड करके सिंधु घाटी तक आ गए और उसी नहीं लोगों द्वारा ये भी सभ्यता क्या है बनाई गई है। अब आ जाओ अगले, हमारे राखल दास बनर्जी जी हैं, ठीक है, राखल दास बनर्जी जी हैं जो आपके मोहन जोदड़ो की खुदाई करते हैं। वो कहते हैं सब सब के सब झूठे हो, एक तरफा झूठे हो, कुछ नहीं। यहाँ जो आए द्रविड़ लोग जो थे, हमारे जो साउथ में बोलते हैं ना कि द्रविड़ियों की जो है, काफी लोग द्रविड़ के लोग बसते हैं साउथ में, उन्हीं द्वारा क्या है ये बसाया गया है। अब चलो आगे बोलते हैं, हिलर साहब आते हैं, ये कहते हैं कि द्यासुदास ने इसको बसाया है। अब के अलग अलग मतभेद हैं, उसे हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि कौन इसके क्रिएटर हैं कौन नहीं क्रिएटर हैं, वो 100% किसी के बारे में हम सत्य नहीं बोल सकते हैं। सबके अलग अलग अपने अपने विचार हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके विस्तार को देख लेते हैं। हड़प्पा के बारे में बात किया मैंने, सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को देखते हैं कि ये सिंधु घाटी का सब जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ तक फैला है। पहले तो मैं आपको इस फ्लो चार्ट से दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन सा क्षेत्र है, उसके बाद से मैं मैप आपको दिखाऊंगा, उस मैप में आप लोग देखिएगा। चलिए तो इसके विस्तार के बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ है, तो ध्यान रखो कि ये आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ये तीन ही देश में आपका इसका विस्तार आपको मिलेगा। देखिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, ठीक है, इन तीन देशों में इस सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार को हम देखते हैं। इनके साक्ष्य यहाँ यहाँ से हमें मिलते हैं। जैसे अफगानिस्तान की बात करें तो सुर्तगुई, ठीक है, सुर्तगुई जो है आपकी क्या है, ये एक साइट है आपकी अफगानिस्तान की। यहां से कुछ साक्ष्य मिले हैं जो आपके आक्सस और कोकचा नदी के किनारे है। ये भी यहां क्यों मिले, क्योंकि देखिए दो नदियां हैं, कौन सी है, आक्सस है और कोकचा है। यहां पे नदियों के कारण ही यहां पे सबसे बोला जाता है कि सबसे पहले नहर का, अगर नहर का प्रमाण जो मिला है, नहर का जो प्रमाण मिला है वो अफगानिस्तान के सुर्तगुई से मिला है, ठीक है। सुर्तगुई क्या है, ये सुर्तगुई से मिला है, कहाँ, नहर का प्रमाण मिला है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ जो अफगानिस्तान का ये जो जगह है यहाँ से व्यापार होता था और यहाँ पे काफ़ी मात्रा में खेती होती भी होती थी, तो इसीलिए यहाँ नहर के प्रमाण देखे गए हैं। और ये दो नदी के किनारे है, आक्सस और कोकचा नदी के किनारे हैं। दूसरा आपका जो प्लेस है सबसे फेमस, वैसे कई छोटे छोटे हैं, वो है मुंडीगा। क्या है, मुंडीगा। यहाँ क्या है, अरगनदाव नदी है। कौन सी नदी है, अरगनदाव नदी के किनारे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो सिंपल ये आता है, यहाँ पे आप लोग घटना चक्र उठाना, आपसे पूछेगा कि सुर्तगुई जो है आपका, यहाँ लिख देगा सुर्तगुई, यहाँ आपका प्लेस लिख देगा और यहाँ लिख देगा नदी,
ठीक है, और मैच कराएगा आपसे। यहाँ सुरतुगाई लिख दिया, यहाँ नदी लिख दिया, मुंडीगा लिख दिया, हड़प्पा लिख दिया, मोहनजोदड़ो लिख दिया, एक तरफ ये सब प्लेस हो गए, एक तरफ नदी हो गई, तो ये आपके कूट के क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैं ये सब आपको फैक्ट लिख के लाया हूँ कि ये अरगनाव नदी के किनारे, अरगनदाव नदी के किनारे बसा हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में हमें तीन क्षेत्र मिलते हैं, ठीक है, तीन क्षेत्र हैं, उसके अंदर कई साइटें हैं। जैसे पाकिस्तान की बात करें तो आपकी बलूचिस्तान का दक्षिणी पार्ट, बलूचिस्तान लिखा है, बलूचिस्तान का दक्षिणी पार्ट। देखिए बलूचिस्तान आपका समझ लो कि हर एक काल में हमने आपको पाषाण नौपाषाण पढ़ाया था, उसमें भी बलूचिस्तान में आप देखे थे कपास की खेती मिलता है। ताम्रपाषाण जब आपको पढ़ाया तभी भी आपकी बलूचिस्तान आपकी फेमस साइट है। और यहाँ आपकी आ जाओ सिंधु घाटी सभ्यता में भी पाकिस्तान का दक्षिणी बलूचिस्तान भी आपका फेमस साइट है। यही का आपका सुतका गेंडोर जो है वो सबसे अगर बोला जाए तो आपका क्या पश्चिमी बिंदु जो है माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद से हम बात करते हैं सिंध प्रांत, ठीक है, जो आपका पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, और पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो इस समय आपका, ऐसा नहीं कि पंजाब इंडिया में ही है, पंजाब वहां भी है, वहां का जो पंजाब है पाकिस्तान का, उस प्रांत के भी कुछ जगह है उसके बारे में हम देखेंगे। और हिंदुस्तान में जो है तो है ही है, तो हम सबसे ज्यादा, क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा अगर क्षेत्र देखा जाए तो आपका एक नंबर पर भारत आएगा, दूसरे पे आपका पाकिस्तान आएगा, और तीसरे नंबर पर अफगानिस्तान आएगा। ये ध्यान रखना सीक्वेंस में। तो सबसे ज्यादा एरिया यहाँ है, तो पढ़ाई भी हम किसकी करेंगे, इसी की करेंगे भाई साहब, जाहिर सी बात है। इनके बारे में हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, जो मेन मेन शहर हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ठीक है, चान्हुदोड़ो, ठीक है, इन सब के बारे में हम थोड़ा जान लेंगे, बाकी और मैक्सिमम के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तो आप बलूचिस्तान के देख लो कि साइट कौन कौन सी है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है, सुतका गेंडोर, यह आपका मैंने बता दिया कि सबसे पश्चिमी बिंदु यही है आपकी, ठीक है। पूर्वी सबसे कौन सी है, आलमगीरपुर है आपका जो मेरठ में है। उसके बाद से सोतका को, यही आपके दो जो हैं फेमस हैं, ये दोनों के हैं आपके दास्क नदी के किनारे हैं। किसकी, दास्क नदी जो है वहाँ बहती है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, उसी नदी पे ये दोनों के दोनों हैं, ठीक है। अब आ जाओ मेहरगढ़, कोई खासा नहीं है, किलीगुल याद रख लो बस, कि प्लेस आ जाए तो ही नहीं है कि हक्का बक्का दिमाग से गायब हो जाए सबका सब, कि ये कहाँ पड़ता था। इसी में से पूछेगा कि हाँ बताइए इनमें से कौन सा बलूचिस्तान की साइट नहीं है, चाहे है तो ये ध्यान रखो, इतनी साइटें हैं आपको याद रखना है, मेहरगढ़, किलीगुल, मोहम्मद, राणा धुंडई, गोमाल घाटी, डावर घाटी, इसमें फेमस कौन कौन सी है वो ध्यान रखो, सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका को, ठीक है, ये याद रख लेना। उसके बाद से ये सब छोड़ दो, किलीगुल और फिलीगुल, ठीक है, उसके बाद से आ जा गोमल घाटी, डाबर कोट, बालकोट, ये चीज ध्यान रखना, जिसको बताया सुतका गेंडोर, सुतका को, गोमल घाटी, डाबर कोट और बालकोट, ये आप याद रखना, क्योंकि डाबर कोट बालकोट कई बार पूछा है कि ये कहाँ स्थित है, ठीक है। तो आप याद रखना कि बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान जो प्रांत है वो वहां पे है। आज ये सिंध प्रांत की बात करें तो सबसे फेमस मोहनजोदड़ो, ठीक है, चान्हुदड़ो, ठीक है, इसके बाद से ये कोई खासा नहीं है, अमरी, कोटदीजी है थोड़ा सा, इसको आपसे कभी एक बार पूछा है शायद कोटदीजी के बारे में, ठीक है, रहमान ढेरी, सुकुर, अल्लादीनो, अली मुराद, झूकर झाकर, ये झूकर झाकर जो संस्कृति थी, जो मैंने आपको ताम्रपाषाण में बोला था ना कि तीन पार्टों में एक झूकर झाकर संस्कृति, जो ताम्र से पहले हम पढ़ते हैं, वो झूकर झाकर की साइटें कुछ हैं जहां पर हमें सिंधु घाटी के कुछ अवशेष मिलते हैं, गाजी शाह और तराई किला, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फेमस इसमें मोहनजोदड़ो, चान्हुदड़ो, ठीक है, अमरी और कोटदीजी है, यही है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद से जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी, हड़प्पा साइट है, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, जलीलपुर, इसके बाद उतना नहीं पूछा है, लेकिन एक बार यूपीएससी में यह क्वेश्चन आया था कि डेरा इस्माइल खान, ये यूपीएससी में पूछा था, ठीक है, ये यूपीएससी में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि डेरा इस्माइल खां कहां का साइट है, किस प्रांत का है,
तो आपको दिया था कि पंजाब पाकिस्तान का, ये जान लेना कि पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान में है उसमें का वहां का ये साइट है डेरा इस्माइल खां, जो सिंधु घाटी सभ्यता से बिलोंग करती है। तो ये ध्यान रखना है, बस इसको ध्यान रखना है इस्माइल, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ चुका है। और हड़प्पा तो आप जानते हो कि हड़प्पा हड़प्पा करना ही करना है। उसके बाद से हम लोग थोड़ा भारत पर आते हैं। भारत में अगर देखें तो हमारे पास कौन कौन से मिलते हैं, ये देखिए। सबसे पहले सबसे ऊपर चलेंगे तो कश्मीर होगा, हरियाणा होगा, पंजाब होगा, ऊपर से आते जाओ कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। ये आपके कितने प्लेस हैं, दो दो चार दो छः सात, सात साइटें हैं जो मेन मेन हैं आपकी। और आपसे अगर पूछता है क्वेश्चन, आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा स्थल आपके, अगर बोला जाए हड़प्पा सभ्यता के चाहे सिंधु घाटी सभ्यता के कहाँ मिले हैं भारत में, तो उसे याद रखना वो कौन सा है आपका, गुजरात है। वो कौन सा है आपकी साइट, कौन सी है, गुजरात है। सबसे ज्यादा अभी भी यहाँ कुछ ना कुछ छोटे छोटे साइटें हमें हड़प्पा की देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। और हरियाणा की बात करें, 2015 में अगर हम बात करें तो राखी गढ़ी में, 2015 की बात कर रहे हैं कि आप लोगों के प्रेमी युगल के दो आपके 100 मिले हैं वहां पे राखी, क्योंकि उत्खनन हमेशा चलता रहता है। हम बोले ना पुरातात्विक विभाग वाले कभी शांत नहीं बैठते हैं। तो बात है 2015 की, 2015 में करते करते खुदाई दो, एक ही कब्र में दो आपके नर और मादा की जो है बोला जाए तो आपके कंकाल मिले हैं। और उसमें ऐसा बोला गया है कि वो प्रेमी युगल थे, ऐसा हुआ था कि उनके हाथ एक दूसरे से बंधे हुए हैं और जो आपका मेल कैंडिडेट है वो फीमेल कैंडिडेट को ऐसे घूर रहा है। अब बताओ ऐसे ऐसे जो इतिहासकार हैं वो सब परिकल्पना कर देते हैं कि नहीं ये प्रेमी युगल थे, बिछड़ने की वजह से एक ही दफना दिया गया, एक उसको ताड़ रहा है उसी में कब्र में ही। तो अजीब अजीब कहानी है, इतिहासकार आपके क्या क्या गढ़ दें आप खुद ही जानो। ठीक है, ये जानो। तो राखी गढ़ी की बात है 2015 की, अभी भी कई जगह खुदाई चलती रहती है, आप लोग देख सकते हो। आप जो आप आर्कियोलॉजिकल साइट जो आपके जो वेबसाइट है उस पर जाके विजिट करोगे तो आपको रिसेंट की चीज़ें पता चलती रहेंगी कि रिसेंट में कहाँ आपका खुदाई चल रहा है, चाहे किस पे रिसर्च चल रहा है, तो सब आपको पता चलता रहेगा। अच्छा, तो ये जान लेना क्योंकि क्वेश्चंस पूछा है इस पार्ट से कि सबसे ज़्यादा साइटें आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की भारत में किस स्टेट से बिलोंग कर रही हैं, तो वो गुजरात है। आते हैं और सबसे कम जान लो तो कश्मीर का है, क्योंकि वहां का एक सिर्फ मांडा है। ठीक है, मांडा आपका कश्मीर का, और ये ही सबसे आपका कहा जाए तो ये उत्तरी आपका सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है। ठीक है, सबसे उत्तरी बिंदु अगर का बोला जाए तो यही मांडा जिला है आपका। उसके बाद से हम हरियाणा में आ जाए तो फेमस फेमस कौन सी जगह है भैया इसकी, बनावली है, राखी गढ़ी है, भगवानपुरा है, मिताथल है, सिसवाल है, कुंडाल है। तो सिसवाल और कुंडाल तो उतना कोई इसमें खासा नहीं है, लेकिन ये सब बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर और मिताथल जो हैं आपके, ये इसको याद रख लेना कि ये भैया कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, ये रट जाना चाहिए। बनावली, राखीगढ़ी, भगवानपुर, मिताथल, सिसवाल और कुंडाल ना याद करो तभी भी काम चलेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और जब जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो चांसेस यही बन जाता है कि उसी में से आपके कहीं ना कहीं इधर उधर करके क्वेश्चन आपका रिपीट आएगा। पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में आपकी सबसे फेमस रोपड़ है, संघोल है, सराय खोल है, कोटला निहांग है। क्या है कोटला निहांग, एक खान है कोटला निहांग खान, ये दोनों एक ही में है, कोटला निहांग खान, एक बाड़ा, बाड़ा आपकी अलग है, चक 86, चक 86 आपसे पूछा है, इसको स्टार बना लो। चक 86 पूछा है कि भारत में चक 86 साइट किस प्रांत में स्थित है, तो जानना कि कहाँ है, पंजाब में है। ठीक है, और आपका रोपड़ और संघोल, ये याद रखना, ये तीनों साइटें जो हैं आपकी फेमस हैं। आ जाओ राजस्थान की बात कर लें तो सबसे भाई कालीबंगा, भाई कालीबंगा के बारे में हम जानते हैं, भाई चूड़ियों का इसे शहर बोला जाता है, काली चूड़ियाँ होती थी। ठीक, तो ये फेमस साइट है इसकी, बालाथल ये भी है, और तरखाना वाला डेरा, तरखान वाला डेरा ये भी आपसे पूछा है। ये कहाँ पूछा है, ये यूपीएससी में पूछा है आपसे क्वेश्चन कि तरखान वाला डेरा, क्योंकि कई किताब में आपसे नहीं मिलेगा ये तो मिल जाएंगे
कि कालीबंगा और बालाथल में किन, ये तरखान वाला डेरा, ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, तब मैं आपसे यहाँ पर डाल दिया हूँ कि अगर आपसे पूछता है तो यह ध्यान रखना है कि ये तरखान वाला डेरा कहाँ है, ये आपके राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी है भैया, आलमगीरपुर जो मेरठ में है, ठीक है, उसके बाद से हुल्लास है, उसके बाद से मांडी है, उसके बाद से सोनौली है, ठीक है, सोनौली कहाँ है आपका, बागपत जिला में है, ये बागपत जिला में है, ठीक है, ये हुल्लास कहाँ है आपका, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है आपका हुल्लास, ठीक, तो ये याद रखना, ये आपके मेन मेन है आलमगीरपुर और सोनौली, सोनौली एक बार पूछा है तो ये से याद रखना कि आलमगीरपुर और सोनौली आपके कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में आ जाओ जो सबसे ज़्यादा साइट है, और गुजरात से क्वेश्चन बनाता है अलग अलग तरीके से, एक तो आपका कच्छ की खाड़ी में पूछता है, यहाँ से फेमस क्वेश्चन है, स्थल को पूछता है कि इनमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा आपका कच्छ के खाड़ी में स्थल है, कौन सी कच्छ के खाड़ी में स्थित है, चाहे खंभात की खाड़ी में स्थित है, इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, तो आप लोग इस वक्त तक नोट करते रहो, मैं पानी पी लेता हूँ। तो चलिए, इसकी मेन मेन साइटें धौलावीरा सबको याद है भैया, लोथल याद है कि सबसे पहला आपका डोकयार्ड यहीं है बंदर का, आप पूछा जाए तो सुरकोटदा, भगतराव, रंगपुल, भगतराव उनको ना जान लेना कि जो एक ठो आते हैं कि हम मोदी का बहुत फेमस करते हैं, भगतराव भगतराव, ठीक है, रंगपुर, रोजदी, देसलपुर और प्रभास पट्टनम है, नाम साउथ का दिया है गुजरात में, ठीक है। अब इसे हम थोड़ा डिवीजन करते हैं इसका, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछता है, क्वेश्चन वहाँ से पूछता है तो उसको डिवाइड किए हैं हम, और उसे ध्यान रखो और इसे एकदम दिमाग में बैठा लो कि कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में कौन कौन से स्थल हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे उठाया है, आप घटना चक्र MCQ उठाना और पेज पलट के देखना, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा स्थल कच्छ के खाड़ी में स्थित है, तो ध्यान रखो कौन सा, धौलावीरा, कौन सा, धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, ठीक है, तीन स्थल हैं मेन मेन, धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर कच्छ की खाड़ी में हैं, बाकी आपके जो मिलते हैं, क्योंकि तीन ही मेन हैं ये, इन तीनों के याद रख लो, बाकी इन तीनों के अलावा जो भी मिलेगा वो समझ लो कहाँ है, वो खंभात की खाड़ी में है, कहाँ है वो, खंभात की खाड़ी में है, ठीक है, याद हो जाएगा कि नहीं, मेरे साथ साथ बोलो, धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर, ये तीनों आपके कहाँ है, कच्छ की खाड़ी में है, बाकी जो भी बचेगा अगर आपके गुजरात का है या पता नहीं यहाँ राजस्थान का दे दिया तो उसे भी खंभात की खाड़ी में डाल देना, ठीक, ये जानना, लोथल, भगतराव, रंगपुर, रोजदी, देसलपुर, कुंतासी, कुंतासी यहीं से आपका क्या मिला था, धान की खेती का भी प्रमाण मिला है, ठीक है, कुंतासी, देसलपुर, रोजदी, रंगपुर, भगतराव, लोथल, ये कहाँ है, खंभात की खाड़ी में, तो इसे आप लोग याद कर लेना, नहीं याद करोगे क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था, ये क्लास फैक्ट बेसिस पे है और आपके प्री क्लियर करने के लिए आपको फैक्ट क्लियर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि हम, इतना ध्यान रखो कि तीन चीज़ें हैं, धौलावीरा, ठीक है, सुरकोटदा और देसलपुर, ये कच्छ की खाड़ी में पड़ते हैं, और लोथल, भगतराव, जो भगतराव आते हैं मोदी जी वाले, और रंगपुर, रोजदी, देसलपुर, कुंतासी, इन तीनों को छोड़कर जितने भी गुजरात की साइटें हैं वो खंभात की खाड़ी में है, ठीक है, आ जाओ, कन्फ्यूज ना होना। इसके बाद महाराष्ट्र में चले आते हैं, महाराष्ट्र में कौन कौन सी फेमस साइट हैं, दायमाबाद, मैंने पहले भी बताया है आपको, दायमाबाद में ही हमने देखा था, इनाम गांव और दायमाबाद, जब ताम्रपाषाण काल मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने दायमाबाद का और इनाम गांव दोनों के बारे में बताया था कि दोनों आपके जो क्या हैं, नगर हैं, दोनों नगरों में क्या हुआ कि हमें दोहरी सभ्यता देखने को मिला था, क्यों, क्योंकि ये दोनों की कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का इम्पैक्ट पड़ा था, इसीलिए देखो कि महाराष्ट्र का दायमाबाद शहर में धौलपुर, रावण उफ्र, बड़गांव, अंबखेड़ी, ये आपके कुछ जगह हैं, मगर सबसे फेमस है आपका दायमाबाद, और यही आपका बोला जाए तो सबसे दक्षिणी बिंदु बोला जाता है, ठीक है, दक्षिणी बिंदु अगर बोला जाए आपका तो सिंधु घाटी सभ्यता का, वो दायमाबाद है, तो मैंने आपको एक एक बिंदु भी क्लियर कर दिया, वहां से भी क्वेश्चन उठाता है, ये मत देना, जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनते रहना, नहीं तो पक्का गोल हो जाओगे, कि मैंने बताया
कि पश्चिमी आपका बंधु कौन है? आपका वो है सुतका गेंडोर है, ठीक है। पूर्वी बिंदु कौन सा है? आलमगीरपुर है, जो आपके मेरठ में है। आपका उत्तरी बिंदु कौन है? काश्मीर का मांडा जिला है। और सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? तो महाराष्ट्र का दायमाबाद जिला है, ठीक है। अब उसी को देख लेते हैं। मैंने ये देखो बना दिया है, ये याद रखना। ऊपर देखो, ये आपका क्या होता है? रीजनिंग मैं ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्थ है, और ये क्या है? साउथ है, और ये क्या है भाई? ईस्ट है, और ये क्या है? वेस्ट है। तो ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट, ठीक है। अब देखो, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे ऊपर उत्तर में क्या है? उत्तरी पॉइंट क्या है हमारा? मांडा जिला है, जो आपका कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर, जे एंड के का है पार्ट ये है। आलमगीरपुर ये भैया यूपी का पार्ट है। कौन सा जिला लगता है? मेरठ जिला लगता है, ठीक है। ये कहाँ है? सुतका गेंडोर। ये आपका कहाँ है भैया? ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये किस जगह पे है। आपका बलूचिस्तान शहर में है। आपका मैंने यही तो बताया था कि बलूचिस्तान का है ये सुतका गेंडोर। आप देख लेना, दक्षिणी जो है आपका बलूचिस्तान है, ये दास्क नदी के तट पर है। तो ये आपका सुतका गेंडोर आपका क्या है? ये आपका सबसे पश्चिमी अगर बिंदु बोला जाए वो है, ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात किया जाए तो दायमाबाद, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसमें आप ये चीज ध्यान रखिए कि इसका अगर लेंथ आपका पूछे कि कितना डिस्टेंस है इसके इसके बीच में कितने का डिस्टेंस है, तो अगर वेस्ट और ईस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम बात करें तो 1600 किलोमीटर है। कितना है? 1600 किलोमीटर। और अगर मांडा से दायमाबाद की डिस्टेंस पूछा जाए तो ये कितनी है? 1400 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस आपकी 1400 है और ये डिस्टेंस आपकी 1600 है। और इसका आपका बोला जाए तो ये पूरे कितने एरिया में आपका सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है, जिसका आकार जो होता है वो किस टाइप का है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। इस सभ्यता का जो आकार है, जो एक तरह से बोला जाए फैला है जिसमें, वो त्रिभुजाकार में है, ठीक है। ट्रेंगल टाइप में है, ऐसे कुछ फैला हुआ है, ऐसे इसका फैलाव आपको मिलेगा देखने को। तो इस कितने एरिया में ये फैला हुआ है? तो 12,99,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। चलो ये ध्यान रखना, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फैक्ट हैं आपके। अब इसमें देख लो, अब एक एक चीज आप लोग इस मैप में बहुत ध्यान से देखना, यहां से क्लियर करना है आपको मैप, क्योंकि मैप देख लोगे तो एक बार आपके जहन में ये बैठ जाएगी तस्वीर, खींच लोगे इसे फोटो, तो भैया एकदम 100% श्योर है कि आप लोग को याद हो जाएगी साइटें। जैसे मैंने आपको पहले वाला पुराना ये बता रहा हूं और आपको साइटें बता रहा हूं। जैसे आपको पता है बलूचिस्तान, सुतका गेंडोर, सोतका कोर और मेहरगढ़ आपका दिख रहा है, तो आप सबसे जानो सोतका कोर आपको यहां दिखा, ये देखो दिख रहा है कि नहीं सोतका कोर। और ये है सबसे लास्ट वाला सुतका गेंडोर, ठीक है। सुतका गेंडोर ये आपका है। अब ये सबसे क्या है? आपका पश्चिमी बिंदु है। उसके बाद से मैंने आपसे क्या बताया था कि सबसे पूर्वी जो है आपका आलमगीरपुर है, वो यहां नहीं दिखा है, मान लो यहां है आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर आपका यहां है, ठीक। तो ये बिंदु हो गई। उसके बाद से आप सबसे मैंने बोला था मांडा जिला, ये देखो ये जम्मू एंड कश्मीर में है कि नहीं है भाई, पार्ट जम्मू एंड कश्मीर का, तो ये मांडा जिला है। और सबसे यहां अगर आ जाओगे तो ये महाराष्ट्र में आपका दायमाबाद पड़ जाएगा, ठीक है, दायमाबाद पड़ जाएगा। तो ये जब मैप मिला लोगे तो आपके वही हो जाएंगे। ये डिस्टेंस आपकी यहां से यहां कितनी है? 1600, और यहां से यहां 1400 किलोमीटर है। अब आ जाओ मेन मेन साइटें जो हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, ये देखो कौन सी नदी है भैया? इंडस नदी है। तो आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है, तो इंडस नदी के किनारे बसा है। और भी जैसे कोट दीजिए, ये कहाँ है? ये भी इंडस के पास ही है। अगर आपसे बोले यहां पे कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, क्वेश्चन पूछा है इसीलिए मैं बता रहा हूं, जो हड़प्पा है वो देखो, हड़प्पा में ये कौन सी नदी है भैया? ये रावी नदी आ रही है, ठीक है। ये कौन सी आ रही है? रावी नदी आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये रावी नदी के किनारे है। उसके बाद से यहां देखो,
ये आपका मांडा जिला है। ये मांडा जिला किस नदी के किनारे पर आएगा? ये चेनाब देखो निकल रही है ना यहाँ पे, तो ये मांडा जो है आपकी किस पे आएगी? चेनाब पे आएगी, ये ध्यान रखना। उसके बाद से आपका कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा किस नदी के किनारे होगा? तो यहाँ देखो घग्घर नदी बह रही है, तो ये घग्घर के किनारे हैं कालीबंगा। तो ये आपसे मैच कराने के लिए आएगा, एक तरफ साइट रहेगा एक तरफ नदी रहेगा, ठीक है, और आपको बताना होगा। और यहाँ देख लो धौलावीरा रन ऑफ कच्छ है, ये रन ऑफ कच्छ है आपका, ये खंबात की खाड़ी है, इधर जो आएंगे तो ये सब आप लोग धौलावीरा सुरकोटदा कुंतासी सोमनाथ लोथल, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं? साइटें हैं किसकी? गुजरात की साइटें हैं, ठीक है। चन्हुद्रो ये आपकी देखो कोट दीजिए, ये सब क्या हैं? ये सब आपके देखो इंडस के आसपास के क्षेत्र हैं। और यहाँ पे ये देखो ये आपकी क्या है? सबसे मैंने आपको बताया था ये कौन सा क्षेत्र है, ये अफगानिस्तान है आपका, ये क्या है? अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है। इसमें आपका सोर्तगुई, ठीक है, और यहाँ आपका सोर्तगुई वाला जो है मैंने आपको बताया था जो अफगानिस्तान में है, कौन कौन से हैं? सोर्तगुई और मुंडीगा, ये अक्सास और कोकचा नदी के किनारे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो नदी बह रही है ये अक्सास और कोकचा नदी यहाँ पे आपको मिलेंगी। क्या मिलेगा? अक्सास और कोकचा नदी। और सबसे पहले अगर बोला जाए नहर के जो प्रमाण मिले हैं हमें सिंधु घाटी के, वो यहीं से मिले हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। हमें लग रहा है ये लेक्चर 3 पार्ट में जाएगा, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, आप लोग मैप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लिए, मैं आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अब आते हैं थोड़ा भाई इसके काल निर्धारण पर, क्योंकि इसको भी लेकर काफी चर्चा है, क्योंकि अभी आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें जो डेट दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का वो एग्जैक्ट नहीं है। कहोगे सर अरे वो आप कैसे बात कर रही हो, क्यों उसमें एनसीईआरटी हम पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है, तो कौन सा एग्जैक्ट होगा? तो उस पर दिल पर लेने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक जो डेट माना गया है वो कार्बन डेटिंग माना गया है, और कार्बन डेटिंग को सभी लोग मानते हैं, ये इतिहास है उसमें, ये नहीं एनसीईआरटी और पीएनसीईआरटी। इसीलिए आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ना है तो मेरे साथ साथ मैं जैसे कर रहा हूं वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। तो काल निर्धारण को लेकर जो सबके अलग अलग मतभेद हैं उसको एक बार हम लोग जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि कई बार इन इन पॉइंटों से, वैसे तो कई हैं इसमें, कई इतिहासकार आए हैं, कई अपना अपना मतभेद दिए हैं, लेकिन कुछ खास इतिहासकार कि जो आपके पॉइंट हैं जो रखे हैं उन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हम अगर बहुत पुराने पेपर में चलें तो इनके पूछा है कि इनके अनुसार, ठीक है, जॉन मार्शल के अनुसार, ठीक है, किसी के अनुसार आपका अगर पूछा है कि ये क्या है इनके अनुसार, आपका सिंधु घाटी सभ्यता की एग्जैक्ट डेट क्या है, तो आप कैसे बताओगे जब तक जानोगे नहीं? तो चलो देख लेते हैं काल निर्धारण। जैसे जॉन मार्शल साहब मैंने आपको बताया पुरातात्विक विभाग के 1921 के पहले ही उनको अध्यक्ष आपका निर्देशक बना दिया गया था उस विभाग का। पहले कनिंघम थे, 71 में उन्हें बनाया गया था, 71 में ही पुरातात्विक विभाग को एक तरह से बोला जाए सरकारी विभाग बनाया गया था, यह ध्यान रखना, मैंने बताया भी है, ठीक है। मार्शल साहब के अनुसार सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व है, ये ध्यान रखना, ये जॉन मार्शल साहब कहते हैं, ठीक है। वो भी कई बार दौड़ा उड़ा किए थे तो अपने हिसाब से बोल दिए होंगे। फिर उसके बाद से आते हैं आर्नेस्ट मैके, मैके पूछता है, पूरा नाम नहीं देगा, सीधे बोलेगा मैके के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या निर्धारण किया गया है? तो 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना गया, इन्होंने मैके साहब ने 2800 से 2500 ईसा पूर्व माना है। उसके बाद से आते हैं आपके वत्स साहब, ये भी नहीं पूछेगा, माधो स्वरूप वत्स, सीधे बोलता है इतिहासकार वत्स के अनुसार, ठीक है, क्योंकि फेमस इन्हीं नाम से हैं वत्स साहब, तो इतिहासकार वत्स के अनुसार ये सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद से आ जाओ सीजे गैंड, ये क्वेश्चन ये पूछा है एक बार, मैं आपको बता दे रहा हूं स्टार बना के कहां से क्वेश्चन पूछा है, जॉन मार्शल साहब का पूछा है, ठीक है, आपका गैंड सीजे साहब से नहीं पूछा है, इसके अभी क्वेश्चन नहीं बना है कि अनुसार सिंधु सभ्यता 2350 से 1700 ईसा पूर्व है, कब से कब सा? 2350 से 1700 ईसा पूर्व, ये ध्यान रखना। और इसके विलर साहब, हाँ विलर साहब से भी क्वेश्चन पूछा है, मार्टिन विलर,
ये मार्टिमर विलर, मार्टिन विलर कुछ भी मिलता है आपका, इसे स्टार बना लीजिएगा। तो ये मार्टिमर विलर जो साहब हैं, इस सभ्यता का काल बताएं कि 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, ये बताते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपके आते हैं फेयर सर्विसेज। फेयर सर्विसेज का यूपीएससी में पूछा है, इनसे आपका क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में कि फेयर सर्विसेज के अनुसार आपका सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या निर्धारण किया गया है, तो 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना गया है फेयर सर्विसेज के अनुसार। और सबसे ऑथेंटिक और जहां तक चांसेस हैं, बड़ा बड़ा स्टार में ट्रिपल स्टार बना दे रहा हूं, आप लोग इसे याद कर लेना कि सबसे ऑथेंटिक डेट है। अगर क्वेश्चन पूछता है, अगर आपको मेंस में लिखना भी है टॉपिक पे, अगर डेट को आपको लगाना है डेट, तो आप लोग इसी को जिक्र करेंगे, रेडियो कार्बन वाली डेटिंग, C14 की जो कार्बन डेटिंग है उसके अनुसार। ये बोला ना, देखो लिखा है सर्वमान्य तिथि, सभी लोग इसी को मानते हैं, इसके अनुसार सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750, मैंने पहले भी बताया था जब आपको ताम्रपाषाण में पढ़ा रहा था, तो ये ही ड्यूरेशन बताया था कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता हम पढ़ेंगे तो उसका ऑन अप्रोक्स 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी इतिहास का मैक्सिमम लोग यही एक्सेप्ट करते हैं, और यही रेडियो कार्बन की डेटिंग है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी उठाओगे तो आपकी एनसीईआरटी के अनुसार कुछ और है। वो क्या है, एनसीईआरटी कहती है कि सिंधु सभ्यता का जो काल है वो 2500 नहीं, वो 2600 से 1850। आपका क्या क्या हुआ यहाँ पे, 100 इसमें बढ़ा दिया एनसीईआरटी ने, 100 इसमें बढ़ा दिया, तो 2600 हो गया ये, और उधर 1750 था, तो उसको बढ़िया नहीं लग रहा था, एनसीईआरटी को बोला ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको 1800 कर दो, क्योंकि कम तो कर नहीं सकता, तो उसको 1800 कर दिया। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपका ये होगा काल, लेकिन सबसे सर्वमान्य जो माना जाता है वो रेडियो कार्बन वाला माना जाता है। आगे बढ़े, चलो थोड़ा सा और बढ़ते हैं, अभी हमने चैप्टर शुरुआत ही नहीं किया, मैं तो ये अभी इंट्रो बता रहा हूँ आपको, अभी उत्खनन काम तो मेन जो शुरू होना है वो तो मैंने बताया ही नहीं। चलिए अब आते हैं हम लोग कि जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता पाई गई, तो यहाँ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ मानव की तीन प्रजातियां के बारे में हमें पता चलती हैं। वो तीनों प्रजातियों के बारे में भी क्वेश्चन पूछा है, उसको याद रखिएगा, तीन नहीं आपकी थी, सॉरी चार थी, जो चार प्रजातियां थी यहां से हमें मिलती हैं। इन चार प्रजातियों में कौन कौन सी थी, काकेशस थी, भूमध्य सागरी थी, जो सबसे मैक्सिमम बोला जाए कि 70% लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे वो इसी प्रजाति के थे, कहाँ के, भूमध्य सागरी के। और ये मंगोलाइड थे, ये मंगोलाइड जो पशुपति की मूर्ति मिली है आपके, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो पशुपति की मूर्ति मिली है उससे ये कहा जाता है कि वो मूर्ति जो थी पशुपति वाली, वो कहीं ना कहीं मंगोलाइड सभ्यता से बिलोंग करती थी, और बाकी जो है अल्पाइन के क्षेत्र के लोग मिले हैं। तो सबसे ज्यादा जो अगर जनसंख्या बोली जाए किसकी थी, 70% की थी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से इस सिंधु घाटी सभ्यता को वत्स साहब, जो मैंने इतिहासकार बताया, वत्स साहब के अनुसार इसे विभाजन किया गया है कि कौन कौन सा एरिया बड़ा था, कौन कौन सा एरिया छोटा था, तो उनके विभाजन की प्रक्रिया को देख लो। जैसे बृहत्तर नगर, मतलब सबसे बड़े नगर कौन कौन से, तो भैया जानते हो आराम से कौन, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये आपके सबसे बड़े थे। अगर अरेंज करने में आ जाए आपको, ऑर्डर अरेंज करने में, तो आप यहां से अरेंज कर सकते हो कि बड़े से छोटा या छोटे से बड़ा अरेंज करना आ जाए शहरों को, तो आप यहां से कर सकते हो। मध्यनगर में कालीबंगा आ जाएगा, लघु नगर में जस्ट इससे छोटा लोथल और रोजदी आ जाएगा, और अति लघु सबसे छोटा कौन सा है, जुदेर जोदड़ो और कोट दीजिए, ठीक है, जुदेर जोदड़ो और कोट दीजिए, इनको हम अरेंज करेंगे, तो सबसे छोटे में ये होंगे, फिर ये होंगे, फिर ये होंगे, फिर उसके बाद से छोटे से बड़े की तरफ जब जाएंगे, तो इन्हें तीन पार्ट में बांटा गया है, बृहद्धर नगर, ठीक है, मध्य नगर, लघु नगर और अति लघु नगर में हम लोग क्या किए हैं, इसे तोड़े हैं। ये मोहन जोदड़ो के पास ही एक कोट दीजिए मैंने आपको दिखाया था मैप में, तो ये ना कहना सर जी आप ये नाम कहाँ दिखा रहे हो और है कुछ नहीं यहाँ पे, देखो ये कोट दीजिए है, यहीं पे आपका जुदेड़ जोदड़ो भी है, यहीं के आसपास आपका जुदेड़ जोदड़ो भी है, आपको मिलेगा। तो वो सब एरिया के हिसाब से वत्स साहब ने किया था, बाकी लोगों का नहीं है, वत्स साहब के हिसाब से है। तो बहुत कम चांसेस हैं यहाँ से क्वेश्चन उठाए कि एक कोई एक इतिहासकार के अनुसार है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
लेकिन सबसे बड़ा या सबसे छोटा नगर आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो सबसे बड़े थे जी। आगे बढ़ें तो अब सोलह हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करते हैं। क्यों, किया जाए कि नहीं शुरू किया जाए भाई? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम आते हैं, थोड़ा सा इंट्रो बता देते हैं, बाकी नहीं होगा तो उत्खनन वाला जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे, तीन हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मजे से पढ़ो, ठीक है? चलो, सिंधु घाटी सभ्यता, आपका सब कुछ क्लियर हो गया कि भैया नगरी सभ्यता किसे कहते हैं, इसके नामकरण को लेकर जो भी मतभेद रहे वो सब मैंने आपको बता दिया, इसके विस्तार को बता दिया आपको, मैप के थ्रू बता दिया, एरिया वाइज बता दिया, हर चीज बता दिया, काल निर्धारण जो था वो भी मैंने क्लियर करा दिया कि जो इतिहासकार माथा पेची किए हैं तो उसमें आपको किसको मानना है, आपको मानना है कार्बन डेटिंग को, जो आपका 2500 बीसी से 1750 बीसी है, इसी को आपको सर्वमान्य मानना है। इसके बाद अगर किसी को मानना हो तो एनसीईआरटी भाई साहब को मान लेना कि आपका 100 इसमें जोड़ दिए हैं और इनको 750 अच्छा नहीं लग रहा था तो इसको 1800 कर दिए हैं, ये ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी का काल है, ठीक है? तो बात कुछ उस समय की है भाई साहब कि हो रहे थे समय 1826, और इसी समय क्या हुआ था कि वहां के लोग, कहां के भाई, हड़प्पा के लोग, जो कुछ ईंटों का यूज करके वहां पे अपना घर द्वार सब बना रहे थे, इन सब का खबर कहीं ना कहीं अंग्रेज सरकार को पड़ी, लेकिन उतने सबके सब सीरियस नहीं हुए इन चीजों को लेकर। तो आपके बोला जाए तो हाँ, जॉन मार्शल साहब थे, किसी को भेजा, कहा जाओ देखो को यार, कहाँ वहां से नोटिस वोटिस आ रहा है, कहा है इतना हुड़दंगई समझ आया है, ईटा उठा कहाँ उठा उठा ले जा रहे हैं सब, उस एरिया में थोड़ा विजिट करो। तो वो लोग गए विजिट करने, तो देखे वहां से लोग, कई लोग मतलब ऐसा कुछ चल रहा था मगर उस पर कोई अपना हालचाल नहीं लिया। तो वहीं से एक भाई साहब आते हैं जो भेजे थे मार्शल, आपके जॉन मार्शल ने, तो वो चार्ल्स मौसन या मैसन, कहीं कहीं मिलता है आपको चार्ल्स मैसन या मौसन, नाम याद रखना है, मौसन थे या मैसन थे वो भगवान जाने, चार्ल्स मौसन या मैसन मिलेगा। तो ये चार्ल्स मैसन जो हैं, ये हड़प्पा जो जगह है वहाँ के एक टीला, टीला बोल सकते हो, एक ऊंची सी जगह होती है मिट्टी के पड़ी हुई, ठीक है, वहाँ से कुछ अवशेष लेकर आए, उसका जे आपका क्या किए, रिसर्च विसर्च किए, रिसर्च वाले हैं, साइंस साइंस आपके वैज्ञानिक थे ही थे, अरे पुरातात्विक वैज्ञानिक थे ये, तो उस पर रिसर्च किए, तो कहें अरे यार इसमें तो ऐसे ऐसे चीज़ मिल रहे हैं जो बहुत पुराना है, ठीक है? तो उन्होंने इसे हड़प्पा का टीला का खोज, अगर बोला जाए सबसे सर्वप्रथम हड़प्पा का अगर कोई खोज किया, टीले का खोज एक, ठीक है, तो वो कौन थे, चार्ल्स मैसन थे। आपसे अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि टीले का खोज किसने किया, तो भैया चार्ल्स मैसन थे। इसी टीले को बाद में विलर साहब ने इस टीले का नाम रखा माउंट एबी। ये क्वेश्चन पूछा है इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है कि माउंट एबी किसे नाम दिया गया। तो भैया जो हड़प्पा का टीला सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैसन ने खोजा था, किसके, जॉन मार्शल के कहने पर जाकर जब इसको दौड़ा किए थे तो खोजे, तो बचाएं कि ये कुछ बहुत पुराना अवशेष है, यहाँ कोई नगर के ऐसे लग रहा है प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है? चलो, मार्शल साहब पे आप भी कुछ हुआ नहीं, मार्शल नहीं थे, कनिंगम साहब थे, क्योंकि 1871 में तो कनिंगम ही इसके थे ना, 71 में पुरातात्विक विभाग जो आपका क्या हुआ था, वो आया था, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बना था, तो ये 26 की बात हो रहा है, तो मार्शल साहब को मत अभी लाना, मार्शल साहब इन 19वीं में आएंगे, ठीक है? तो यहाँ कनिंगम साहब थे, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम से, वो उन्होंने इस विभाग के वो थे, उनके कहने पे ये गए थे चार्ल्स मौसन। फिर 53 और 56 के बीच में कनिंगम कई बार हड़प्पा के साइड का दौरा करते हैं, इसी दौरे में क्या होता है, उन्हें एक मुहर मिलती है जिसमें 6 लिपि, अगर बोला जाए 6 वर्ड बोल सकते हो या 6 अल्फाबेट आप बोल सकते हो, अल्फाबेट अंग्रेजी मत मान लेना, वो उनके जमाने के 6 वर्ड जो थे, 6 वर्डों वाली मुहर मिली थी, ठीक। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे सर्वप्रथम मोहर के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सबसे सर्वप्रथम कनिंगम साहब को ही, जब ये सब दौड़ा करने लगे, जब ये चार्ल्स मौसम मौसम बना दिए उनका, तो ये कई बार आने जाने लगे वहां, तो वो ये
वहाँ जाने आने जाने में इनको खुदाई उदाई तो चलती ही रहती थी, मतलब उतना विस्तार नहीं हो पाया था, तो उन्हें एक मोहर मिली जिसमें 6 अल्फाबेट या 6 वर्ड थे उस समय के, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता था। ठीक है, चलो आगे का समय बिता, वही मैं बोला कि 53 में, जब 53 में इन्हें मोहर मिला था, यही पहला मोहर था हड़प्पा से। फिर बात है 1856 की, जब रेलवे लाइन आपकी कराची से लाहौर की तरफ बिछाई जा रही थी, तो मजदूरवे का किए सबके सब गए और वहाँ से हड़प्पा के जो साइट थी, जहाँ से भाई, क्योंकि वहाँ जो काम करने वाले मजदूर थे वो वहाँ के लोकलाइट थे, और लोकलाइट वालों को पता था कि जब हम घर अपने इसे ईटा से बनाए हैं तो ये भाई साहब कहा था तो हम जहाँ ईटा वाले आए वहीं से। ठीक, तो वो क्या किए, सबके सब मजदूर जाके वहीं आसपास काम चल रहा था, और उस किसके निर्देश में हो रहा था, वो ब्रंटन बंधु थे अंग्रेजी, उनके निर्देश में ये काम चल रहा था। तो वो जब वहाँ पे गए तो वहाँ सब खंडहर पड़ा था, वहीं से सब उजाड़ उजाड़ अपना घर भी बनाए थे, और यहाँ रेलवे ट्रैक जो बिछ रहा था इसमें भी ईटा ले आया देख रहे थे। तो ब्रंटन बंधु की अचानक उस ईंट पे कुछ कारीगरी दिखी और उन पे नज़र पड़ी, और ब्रंटन बंधु ने उस ईंट को उठाया और कनिंगम साहब को ट्रांसफ़र कर दिया, भाई साहब थोड़ा ये देखो, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत मजबूत है, अब बहुत पुराना कुछ इसमें लग रहा है। वो कहें ऐसा है, जो काम कर रहे हो करो, दिमाग ना खराब करो। ठीक है, तो इस वजह से वो उस समय क्या हो गया, वहीं पे बात थोड़ा ठप हो गई। फिर बात चली, कब उठी थोड़ी हवा और लगी किस इस बात को हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, और 1912 में फील्ड साहब आए। 1912 में फील्ड साहब ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में एक अपना रिसर्च पेपर डाला, क्योंकि ये भी आके वहीं पे उत्खनन करने लगे थे, और उन्हें कुछ डाउट होने लगा था कि अब गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड सरकार की, उस समय भारत में इंग्लैंड का राज था, इंग्लैंड सरकार का जो है एक तरह से नज़र उस पर नहीं जा रहा था, तो ये खींचना चाहते रहे थे। तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर डाला, कहाँ डाला, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना रिसर्च पेपर डाला। उन्होंने बाकायदे विस्तृत जानकारी दिया कि यहाँ से हमें कुछ भारत के इतिहास के बारे में, इसके पुराने इतिहास के बारे में, प्राचीनतम इतिहास के बारे में हम निकाल सकते हैं, और इसके इतिहास को हम खनोट सकते हैं। तो अब इंग्लैंड सरकार की कहीं ना कहीं इस पे नज़र पड़ी, और जब नज़र पड़ी तो हो चुका था समय 1921 का, और इस समय पुरातात्विक विभाग के निर्देशक जो बनाए गए थे जॉन मार्शल साहब बनाए गए थे, और जब जॉन मार्शल के ही आदेश पर आपके कौन भैया, दयाराम सहानी जी, कौन, दयाराम सहानी जी आपके क्या करते हैं, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का है, जो हड़प्पा शहर है उसका उत्खनन काम शुरू कराते हैं। तो वो काम शुरू हुआ, सबसे पहले किसका शुरू हुआ, हड़प्पा का शुरू हुआ, इसीलिए इस संस्कृति का नाम, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, ये मैंने आपको बताया भी था। और ये भी एक कारण था कि जब 26 में भैया मौसम साहब जो थे, इनको जो मिला था हड़प्पा का जो टीला मिला था, उसकी खोज किए थे, उसके वजह से भी, क्योंकि तभी जान पाए कि हड़प्पा है, ये हड़प्पा का टीला इसे बोला जा सकता है, और इसी वजह से उस हड़प्पा की उत्खनन कार्य शुरू हुआ दयाराम सहानी द्वारा। तो ये आपका यहाँ से जब शुरू हुआ, तो आपसे पहला क्वेश्चन ही यहाँ एमसीक्यू बन जाएगा आपसे, कि एक तो खोजकर्ता बन जाएगा कि हड़प्पा का अगर पूरी तरह से उत्खनन काम किसने शुरू कराया, तो दयाराम सहानी ने शुरू किया, किसके निर्देशक में हुआ, तो कौन थे भैया, जॉन मार्शल थे, पुरातात्विक विभाग के उस समय वो निर्देशक थे, और ये प्रांत कहाँ पड़ता है, कई क्वेश्चन बन गए, देखो इसी में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, किस जिले में पड़ता है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के किस जिले में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, तो वो ध्यान रखना, साहिवाल जिले में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, साहिवाल जिले में पड़ता है, और किस नदी के किनारे पड़ता है, देखो क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन बनता जा रहा है, रावी नदी के किनारे पड़ता है, और मैंने मैप में भी आपको बताया था कि देखो ये हड़प्पा है, कहाँ गया मैप हुआ, हाँ देखो ये हड़प्पा है, ठीक है, और ये आपकी रावी नदी आ रही है, तो ये रावी नदी के तट पर हड़प्पा आपका बसा हुआ है, तो हड़प्पा रावी, ठीक है, यहाँ रा रहा है, यहाँ रा से रावी, ठीक, हड़प्पा रावी, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि ये कि पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले के रावी नदी के बाएं तट पर, ये भी ध्यान रखो किस पे, उसके बाएं तट पर ये शहर बसा हुआ था। जब उत्खनन शुरू हुआ तो पूरा का पूरा एक हड़प्पा अंदर देखा गया,
जब पूरा हो गया कि ये पूरा का पूरा शहर ही एक स्ट्रक्चर में बसा हुआ मिला। ऐसे ही मोहनजोदड़ो 21 में वो हुआ और 22 की बात है, जस्ट एक साल बाद राखल दास बनर्जी साहब ने सिंध प्रांत के, कहां, पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है उसके लरकाना जिले, कौन सा जिला, लरकाना जिला, याद रखना कौन सा जिला, गाजियाबाद नहीं, लरकाना, ठीक है, लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो, जुदेड़जोदड़ो और आपका कोट दीजिए ये कहाँ है, सिंधु नदी पे है। तो सिंधु नदी के तट पर किधर साइड में, ये हड़प्पा आपके रावी के बाएं पर बसा हुआ है और ये सिंधु के दाएं तट पर बसा हुआ है, कौन, मोहनजोदड़ो का टीला, जिसे हम कहते हैं का मुर्दों का टीला, भूत प्रेतों का टीला, ठीक है। तो ये आपका हो गया कुछ बेसिक सा। अब इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे इस पे, जो आपका मेन अब उत्खनन काम शुरू होगा एक एक साइटों का, और उससे जो भी आपके मिलेंगे उसको आपको याद रखना है। जैसे हड़प्पा का पहले हम उत्खनन कराएंगे आप लोगों से, चला जाएगा पुरातत्व विभाग में, हड़प्पा की साइट को खोदा जाएगा, वहां से जो जो भी अवशेष मिलेंगे उसे हम याद करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आपकी फैक्ट बेसिस की क्लास एक और होगी, उसके बाद से अगली क्लास आपकी कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होगी। तो तब तक के लिए सभी लोग इसे एक बार दोहरा लेना, मैंने जितना बताया है जहां जहां पॉइंट किया है कि बच्चों ये ना छोड़ना, ये याद रखना कि खंबात की खाड़ी में क्या है, कच्छ के खाड़ी में क्या है, ठीक है, कौन किस नदी पर बसा हुआ है, कौन सा पूर्वी बिंदु है, कौन सा पश्चिमी है, कौन सा उत्तरी है, कौन सा दक्षिणी है, डिस्टेंस कितनी है, टोटल एरिया कितना है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार क्या है, ये सब चीज़ें जितना मैंने आज पढ़ा दिया है अच्छे से याद कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।